और ये है मेरा ईद का ड्रेस, कुछ इस तरह का है ये। सिर्फ शर्ट ली थी मैंने जनरेशन से, बाकी दुपट्टा ये अम्मी ने मैच करके लाके दिया है। ये लगवाए हमने, शर्ट के रंग के ये लगवा लिए हैं। क्या कहते हैं अम्मी इनको, फुतने? हाँ फुतने ही, टसल टसल। इस पे ये जरी का थोड़ा सा काम हुआ हुआ है। अम्मी किस चीज़ का काम है? ये है दबके का, दबके का काम हुआ हुआ है। 4 शेड हैं इसमें, ऑरेंज, पिंक, लाइट ब्लू, और जो बॉर्डर है वो ग्रीन है। बॉर्डर के कलर का ही हमने दुपट्टा लिया है, और सिल्क का दुपट्टा, सिल्क का ट्राउज़र बनवाया है, वो भी इस्त्री हो रहा है, वो भी दिखाऊंगी। हाँ दुपट्टा भी सिल्क का है, दुपट्टा भी सिल्क का है। हाँ मैच अच्छा हो गया। आप तो अपना ड्रेस दिखाएं, उनका ड्रेस कुछ इस तरह का है। ये मैंने आसिम बनवाई थी इस तरह से, अम्मी की स्लीव्स ऐसी हैं, क्या कहते हैं इसको, बेल बॉटम। हाँ मैंने खुद डिज़ाइन करवाया है। और ये मेरी शर्ट है, ये मेरा ट्राउजर है, और ये मैं हूँ। अब तैयार हो जाए जल्दी से, ये मेरी ओढ़नी है। ओढ़ के दिखाएं, ओढ़ के दिखाएं, ये मेरी ओढ़नी है। गुड, ये देखिए जी अबू। हेलो एवरीवन, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप सब लोगों को। क्या क्या के थोड़ा सा आपको जरा घुमाते हैं, अब आप हमारे साथ घूमें। अम्मी ड्रेस दिखाएं पहले तो, ये देख, ये अम्मी का ड्रेस है, गले में डाले ना अम्मी। ओ वाह 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 वाह, नहीं अभी इतनी गर्मी नहीं है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारी नेमी है जो के मज़े से खेल रही हैं ईद वाले दिन। इनका ड्रेस कुछ इस तरह का था, पिंक कलर था। इनकी मम्मी ने आई थिंक मिनी माइनर से ये इसका ड्रेस लिया था, ये बहुत प्यारी लग रही थी और मस्ती मज़े में इन्होंने अपनी ईद गुजारी। अपना फोटो शूट करवा रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। और ये अब बारी आती है अम्मी मेरे और नेमी की, पिक्चर्स खिंचवा रहे थे हम लोग, और इस टाइम बहुत मज़ा आ रहा था पार्क में। गर्मी तो खैर बहुत ज़्यादा ही है, बाकी ईद का दिन था, इतनी गर्मी महसूस नहीं हुई क्योंकि तस्वीरें बनवा रहे थे, मज़े कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह ईद मज़े की गुजरी। और हम आए हैं जी एक पार्क में ईद का फ़ोटोशूट करने, मैं अम्मी नेमी। अम्मी कुछ बोलना चाहेंगी? क्या बोलूँगी ये बताओ, कुछ अच्छा माशाल्लाह ईद का दिन है, अल्लाह ताला हम सब लोगों को ऐसी इसी तरह मिला जुला के रखे, आमीन। और बस आप लोगों की दुआएं, हर साल ईद हम इसी तरह हंसी खुशी और मजे के साथ गुजारें, हम भी और आप सब भी इंशाल्लाह ताला। आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। डंगडंगा अम्मी ने तो जल्दी से चेंज कर लिया क्योंकि अम्मी को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, और बाकी गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं थोड़ी देर में जाऊंगी चेंज करने, और फिर जो है बस ईद हमारी ख़त्म हो जाएगी, बस गुजर गई ईद एक दिन में, क्या फिर क्या करें, कुछ भी नहीं है, कुर्बानी हो गई है। तुमने वो देखा है क्या, इंटरनेट पे आता है न्यूज़ एंकर का? हाँ हाँ भाई, कैसा महसूस हो रहा है आपको, दिल काटने? हाँ भाई कैसा महसूस हो रहा है आपको, अच्छा महसूस हो रहा है? कितना अच्छा महसूस हो रहा है। अम्मी तो जल्दी से चेंज करके बैठ गई, अम्मी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, गर्मी तो वाकई है, गर्मी बहुत लग रही थी। मैं तो जल्दी से बस कपड़े पड़े बदल के बैठ गई, मगरिब का इंतज़ार कर रही हूँ, नमाज़ पढ़ूंगी, आप सब के लिए दुआ करूँगी। सही है, कमेंट्स में जल्दी जल्दी अपने नाम बताएं जी, जिनको दुआ करवानी है। दुआ वाला बाबा है अम्मी। ये इतना तेज सा है वो करके चूल्हा, हाँ ये सुभान कुछ बना रहे हैं ये, यहाँ लहसुन लहसुन काट के रखा हुआ है,
और ये मेथी दाना पीसा है इसने, पता नहीं क्या कर रहा है ये। अब इससे पूछते हैं, ये आलू बॉईल हो रहे हैं, क्या बना रहे हो ये, कहाँ हो? पाए का सालन तैयार हो रहा है। किसके लिए पाए का सालन तैयार कर रहे हो? यार वो बना रहा हूँ, आलू भुने हुए। कौन सा आलू? भुने हुए आलू। हाँ ना, बकराईद का दिन है, तुम्हें पता है मेरे हिसाब से कुछ मिलना है। सुबान बकराईद में कुछ नहीं खाता क्योंकि गोश्त मुर्गी फिश सुबान कुछ भी नहीं खाता है और बाहर बाजार सारे बंद हैं, तो सुबान ने खट्टे आलू है ये तकरीबन, उसके उससे मिलता जुलता कुछ, मिलता जुलता कुछ बना रहा है। जिस भी बना लेगा तो हम भी आपसे रेसिपी शेयर करेंगे। जिस जिसको सुभान की बनाए हुए आलू की रेसिपी चाहिए प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं, हम आप लोगों को जरूर रेसिपी देंगे। हम बना रहे हैं जी तह वाली बिरयानी, मगर चिकन में, है ना मम्मी? हाँ, इसलिए कि आज ही गोश्त आया है, आज ही बकरे जिबा हुए हैं, आज ही कोई गोश्त उसका नहीं खाया। मैंने टमाटर 12 घंटे फ्रिज में रखना चाहिए गोश्त को, फिर हम कल खाएंगे 12 घंटे बाद इंशाल्लाह। जैसे अम्मी पका लेंगी फिर मैं दिखाती हूँ कैसी शक्ल आई है हमारी तह वाली बिरयानी। और ये हमारी तह वाली बिरयानी फाइनली रेडी हो गई है, बहुत प्यारी लग रही है। तो शक्ल से सिर्फ उबले हुए चावल नजर आ रहे हैं। हाँ, तो नीचे है ना तह। हाँ, तो बस अभी तो नहीं निकाले। हाँ ठीक है, अब हम खाएंगे जी थोड़ी देर में खाना और फिर आप लोगों से मिलेंगे। अम्मी ने चेंज कर लिया है और अम्मी ने ईद के कपड़े अपने उतार दिए हैं। अम्मी क्यों उतारे? अम्मी थक गई थी, अम्मी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए अम्मी ने अपने ईद के कपड़े उतार लिए हैं। ये बात है। और अब हम लोग खाएंगे बिरयानी और आप लोग हमारे साथ रहिएगा, बताइएगा जायका कैसा था। और ये फ्राई हो रहे हैं कबाब, अम्मी कबाब फ्राई कर रही हैं। और ये क्या है? रायता। इतनी सी दही का नहीं, ये रायता बन रहा है। दही मंगाना मैं भूल गई थी। बिरयानी रेडी पर है, जल्दी से खाएंगे, भूख बहुत लग रही है। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप सबकी ईद कैसी गुजरी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो ईद बहुत मज़े की गुजरी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम सबको। अब ये हमारी बिरयानी और कबाब और रायता रेडी हो गया है। तो हम लोग जी इस ब्लॉग की यहीं पर एंडिंग करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला एक नए ब्लॉग में हम लोग आपके सामने आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अबू वो लेटे हैं, अबू के पैर नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को।